गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। सीएम और डिप्टी सीएम की सीट पर हार बीजेपी के लिए बेहद शर्मनाक है। अपने ही घर में क्यों हारे होगी? हमने यूपी के अलग अलग शहरों में यह सवाल वोटरों से पूछा तो ऐसे जवाब और रिएक्शन उनके मिले। गोरखपुर में मासूम बच्चों की जानें चली गई लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश का गरीबी से परेशान होना भी एक कारण है। पतली नगरी के कारोबारी परेशान है, घर में बैठने पर भी मजबूर है। इन नतीजों ने 2019 का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जनता इसलिए नाराज थी क्योंकि अस्पताल में बच्चों की जानें चली गई। परेशानी ये भी है कि अगर कोई पार्टी एक तरफा हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 2019 में बीजेपी शायद ही बहुमत हासिल कर पाए। भ्रष्टाचार अधिक हो गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकारा भी हुआ। बहुत विकास हो रहा है लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हो रहा। 25 साल में अगर इतना ही विकास हुआ तो देखा क्यों नहीं? राजतंत्र नहीं है, बहुमत नहीं है, मैं ये हार जरूरी थी। 2019 की लहर में योगी जी कहीं दिखाई नहीं दिए। सपा और बसपा की गणित सही रही और बाकी लोगों के गणित गड़बड़ा गए। जीएसटी से लोग परेशान हैं और ये भी एक हार का कारण बताया जा रहा है। विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं। भारत की जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही इसलिए यूपी की जनता नाराज है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं जीएसटी के कारण, लोग परेशान हो रहे हैं, वोटिंग परसेंट कम हो रहा है। बीजेपी ने काम किया लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। जितने वादे बीजेपी ने किए उन्हें पूरा नहीं कर पाई। गोरखपुर में बीजेपी को सपोर्ट मिलना चाहिए था पर वहां पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। 2019 में भी बीजेपी का आना तय है, लोकल मामला रहा होगा कुछ। जीएसटी और नोटबंदी के कारण बीजेपी को भुगतान पड़ेगा। किसान नाराज हो रखे हैं, गन्ने वाले फैक्ट्री का कोई पता नहीं है। लोकल मुद्दे के कारण बीजेपी वहां पर हार गई है। तो ये थे कुछ लोकल लोगों की आम राय। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि योगी जी मोदी जी को अपनी सफाई कैसे पेश करते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जनप्रहरी, क्योंकि मिलेगी आपको पॉलिटिक्स और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले।